हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आती है कॉन्सेप्ट्रिक्स कंपनी की ओर से। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफाइल्स पे वैकेंसीज अवेलेबल है। इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर टेक्निकल प्रोफाइल में भी वैकेंसीज अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल में भी आप वर्क कर सकते हैं। वॉइस बेस्ड यहाँ पर आपका वर्क रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आप नॉन वॉइस प्रोसेस में भी वर्क करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको कंपनी की ओर से सारी चीजें प्रोवाइड की जाने वाली है, मतलब वर्क फ्रॉम होम आप काम करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो। अगर आपका लोकेशन नियर बाय अगर ऑफिस अवेलेबल है तो आप वर्क कर सकते हो, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो कंपनी की ओर से पूरे सेटअप्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, इसी के साथ वाईफाई कनेक्शन, ये सारी चीजें आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर कोई भी तरीके कि आपकी इंटरव्यू नहीं होने वाली है। डायरेक्ट यहां पर आपकी एक छोटी सी एग्जामिनेशन होगी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के बाद आप डायरेक्टली यहां पर जो कि वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हायरिंग है विदाउट इंटरव्यू। यहां पर कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहां पर कोई भी तरीके की इंटरव्यू भी नहीं होने वाली है। आगे मैं आपको गाइड करूंगी किस तरीके से। मेक श्योर करें वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, ऐसी और डेली जॉब अपडेट्स या डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहां पर आप कौन कौन से प्रोफाइल पे वर्क करने वाले हैं तो प्रोफाइल देखिए, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर वर्क रहेगा जो कि वॉइस प्रोसेस में एंड नॉन वॉइस प्रोसेस में दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। सेकेंड चीज जो कि है टेक्निकल सपोर्ट में यहाँ पर आप वर्क करेंगे, अगेन जो कि है नॉन वॉइस प्रोसेस भी अवेलेबल है, इवन वॉइस प्रोसेस भी अवेलेबल है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आप चैट प्रोसेस में भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सो बेसिकली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट या सिटी से रहते हैं, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस फ्रेशर्स को दिया जाएगा। सो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम अगर आपने 12th पास किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये सारे फील्ड में से किसी में भी अगर एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 months का तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका काम रहने वाला है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का, जो कि वॉइस प्रोसेस में भी है, नॉन वॉइस प्रोसेस में भी है। अगर वॉइस प्रोसेस में यहाँ पर आप काम करोगे तो डायरेक्टली आप कस्टमर के साथ कनेक्ट करोगे, जो भी कस्टमर के प्रॉब्लम होंगे वो आपको यहाँ पर रिजॉल्व करना होगा, एंड टू एंड इनको गाइड करना होगा। और अगर आप नॉन वॉइस प्रोसेस में वर्क करेंगे, चैट प्रोसेस में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके की जो कस्टमर की डाउट्स होती है वो आपको चैट के थ्रू क्लियर करनी होगी। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको कंपनी की ओर से दी जाने वाली है कि कैसे यहाँ पर आपको वर्क करना है, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा, कंपनी की क्या गाइडलाइंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुनकर और जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे क्रैक करना होगा और आप यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या सैलरी रहने वाली है एंड आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है वो जानने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही डाउट रहता है कि मैम अप्लाई किसे करें, कौन से स्टेप में हमें क्या फॉर्म में क्या फिलअप करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अप्लाई करने का मेथड क्या है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम आगे सिलेक्शन एंड सैलरी की बात करेंगे। तो डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये एक फॉर्म आपको दिया है जिसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे भी कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पहले रीड करना है। ये रीड करने के बाद ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में देखिए, यहाँ पर आपको आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसी के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। ये किस लिए दिया है, देखिए कई बार ऐसे होता है कि अगर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हो तो कई बार नंबर ऐसे आप एंटर कर देते हो जो कि एक्टिव नहीं होते हैं, कई बार वो स्विच ऑफ होते हैं, कई बार अनरिचेबल होते हैं, जिस वजह से एचआर टीम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो यहां पर आपको दो नंबर एंटर करना है, एक आप जो भी नंबर एंटर करेंगे वो, और दूसरा नंबर भी यहां पर बैकअप के लिए आपको एंटर करके रख देना है। ईमेल आईडी आप क्रॉस चेक करना, जो भी आप यहां पर एंटर करेंगे। ईमेल कंफर्मेशन भी आपको दी जा सकती है, तो आपको यहां पर ईमेल आईडी एंटर करना है, आधार नंबर यहां पर एंटर करना है, उस सेम आधार नंबर को यहां पर आपको करना है वेरीफाई। करने के बाद आ जाता है आपका फादर नेम। फादर नेम अगेन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहां पर एंटर करना है। प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हैं
हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड ऐड कर देंगे, पिन कोड क्या होता है, जिप कोड आपके एरिया का जो कि पोर्टल कोड होता है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, स्टेट आप देख सकते हैं कई सारे स्टेट यहाँ पर अवेलेबल है। इनकेस अगर आपका स्टेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा हो तो आप नियर बाई भी कोई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी स्टेट ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको सिटी ऐड करना है, आपकी एज 18 प्लस है या नहीं वो यहाँ पर एंटर करना है, अगर नहीं है तो नो, येस है तो येस यहाँ पर आपको पुट करना है। प्रीफर्ड लोकेशन यहाँ पर आप और कौन कौन से लोकेशन आपके लिए प्रीफर्ड, मतलब कहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अगर आप रीलोकेट हो सकते हो तो कौन से एरिया में या कौन से सिटी में आप रीलोकेट हो सकते हो, यहाँ पर आपको येस और नो वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब, ये जॉब के बारे में आपको कैसे पता लगा है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम एंटर करना है, ये दोनों तो इसी तरीके का रहेगा, ये एम्प्लॉय कोड है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आ जाता है आर यू विलिंग टू वर्क इन 24, मतलब नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट रह सकता है, तो अगर आप नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल हैं वर्क करने के लिए तो यहाँ पर आप येस और नो पुट कर सकते हैं। एडिशनल बैकग्राउंड यहाँ पर आपको एंटर करना है, जैसे कि 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर आपने क्या स्टडीज़ की है वो आपको एंटर कर देना है। एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास कोई भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो येस, अगर नहीं है तो नो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो कौन से कितने मंथ्स का है, मतलब 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 24 वन ईयर का है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अबाउट 24 मंथ्स है तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस के लिए आपने अप्लाइड किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस प्रोसेस में आपने अप्लाई किया है, या वॉइस प्रोसेस में आप वर्क करना चाहते हैं, या टेक्निकल सपोर्ट में आप वर्क करना चाहते हैं, अगेन उसमें नॉन वॉइस, वॉइस प्रोसेस, तो जो भी रहेगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर वो येस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कौन से, जो आप अगर प्रीवियस इस फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो भी कंपनी से लीव या फिर अगर आपने वो काम छोड़ दिया तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस बेस्ड, तो अगर आपके पास वो रहेगा तो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपके इंपैक्ट करेगा आपके सैलरी में, अकॉर्डिंगली यहां पर आपको सैलरी भी काफी अच्छी दी जा सकती है। यहां पर देखिए प्लीज लिस्ट इंडियन लैंग्वेज, आप कौन कौन से लैंग्वेज बोल लेते हैं, अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज आप बोल लेते हैं तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, तो लैंग्वेज भी कोई यहां पर बैरियर नहीं है। डू यू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहां पर आपको वो ऐड करना है। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स अगर आपने कोई किया है तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर अगेन आपको ऐड करना है हैव यू एवर वर्कड विद, मतलब ये कंपनी के साथ आपने कभी भी वर्क किया इस कंपनी में, तो येस और नो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वैक्सीनेटेड है, बोथ वैक्सीनेशन हो गया है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो येस अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गई है तो यहाँ पर येस और नहीं हुई है तो नो। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको ये यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर कर दिया, आई हियर बाय द टर्म्स एंड कंडीशन आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पर भी आपको टिक करना है, एंड देन आपको करना है स्टार्ट असेसमेंट नाउ। ये स्टार्ट असेसमेंट कर सकते हो आप अभी भी या फिर आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई भी तरीके की आपकी इंटरव्यू नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर आपकी लाइव यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि टेस्ट के तौर पर लिया जा सकता है। वो कंप्लीट करते ही आपका जो कि एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाता है, देन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो एचआर की तरफ से आपको एचआर टीम की ओर से आपके कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट किया जाएगा। इसके भी पहले आपको ईमेल कंफर्मेशन दिया जाएगा, जो कि ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसी के थ्रू एचआर आपसे कनेक्ट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मैं आपको सैलरी बता देती हूँ, क्या सैलरी दी जा सकती है। तो सैलरी डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पर कि कौन सा प्रोफाइल आप यहाँ पर चूज करते हैं, उस फील्ड में आपको कितना एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड जो कि आपका सैलरी डिसाइड होगा। बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप 15K से लेके अप टू 50K तक अर्न कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15K से ही होने वाली है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टार्टिंग आपकी 15-20 की ही रह सकती है। बट स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप यहाँ पर वर्क करेंगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस भी होती जाएगी, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज की जाएगी। प्लस यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एक्टिविटी आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको वर्क करना है। जो ट्रेनिंग पीरियड, जो ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाए जाएंगे उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स यहाँ पर आप बिल्कुल भी लीव नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर आपको लीव नहीं दी जाएगी। तो अगर आप आगे आने वाले 3 मंथ फ्री है तभी आप ये जॉब के लिए ज्वाइन करें, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड क्रैक करें एंड अपना वर्क करना स्टार्ट करें। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए, डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो जाता है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।